ये अभी टाटा एसी का कूलेंट, इसका अभी नया डालेंगे हम लोग, ख़त्म हो चुका है। ये देखिए हम लोग का टेक्नीशियन जो है एक टॉर्च लाइट दिखा रहा है और दूसरा खोल रहा है। ये देखिए इसका स्माइल दे दो एक तो बाबू, देखिए इसका क्या है, रेडिएटर में अगर कूलेंट डालने के लिए आगे का पूरा फ्रेम जो है, ये हेडलाइट के ऊपर कवर, ग्रिल, सब कुछ खोलना होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है ये खोलने के लिए, और तभी जाके आप कूलेंट इसमें डाल सकोगे। खोल तो लिया, अभी ये देखिए ये गाड़ी का प्रॉब्लम क्या हो रहा था, थोड़ा सा जाने के बाद इसका टेम्परेचर पूरा हाई हो जाता है और फैन बहुत जल्दी चलने लगता है। देखो इधर, ये देखिए पूरा खाली, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है कूलेंट। सो अभी कूलेंट इस और वाटर इसमें रिफिल करेंगे, करने के बाद फिर गाड़ी स्टार्ट करना होगा, उसके बाद इसका एयर खोलना होगा, और वो भी दिखाते हैं कि इसकी हवा कैसे खोला जाता है पाइप से। और हवा खोलना इम्पोर्टेंट है, ये देखिए जो है हाई प्रेशर पंप के साइड में लगा हुआ है एक 13 नंबर का बोल्ट है, उसको आप लूज करना होगा। लूज करने के बाद आपका क्या होगा, कूलेंट जो है वहाँ से बाहर निकलेगा, और जब कूलेंट निकल जाएगा तो साथ में जो एयर है ब्लॉकेज वो भी निकल जाएगा साथ, तो ये इम्पोर्टेंट है निकालना, नहीं तो आपका क्या है कूलेंट जो है अंदर वो अच्छे से सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हम लोगों ने खोल दिया इसको, बोले पानी सही बोलो, पानी लो खोला, कूलेंट किमान लगे तुम्हारे तो और ये जो है डैशबोर्ड के नीचे ये है रिजर्वर टैंक, तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो ये डालने के बाद बाकी जो है हम लोग फिर से दोबारा इसको फिट करेंगे। तो ये प्रोसीजर इसको कूलेंट डाल के हवा खोलना, और थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल में इतना भी मुश्किल नहीं है, नट बोल्ट वगैरह जो है अच्छी तरह से खोलना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लग जाता है खोलने के लिए, दूसरी गाड़ी को जैसे नहीं है ये कि ऊपर ही रहता है रेडिएटर, बोनट खोले और डाल दें, एक्चुअली इसका आगे का शो में ही रहता है सब कुछ, थोड़ा वक्त लग जाता है खोलने के लिए। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।